आप सभी को प्रणाम। आलोक मेरा नाम रात तक अच्छी जानकारी पहुंचाना है मेरा काम। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीरीज वन एपिसोड 4 यानी कि LMV-TR लाइसेंस के बारे में। LMV-TR लाइसेंस के बारे में ये बात करेंगे कि आपके पास अगर LMV-TR लाइसेंस है तो आप उससे कौन कौन से वाहन चला सकते हैं, कौन कौन से वाहन चलाने के लिए LMV-TR लाइसेंस बनता है। तो यहाँ पे दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा डिटेल से बात करने वाला हूँ आपको। इस वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को अभी दोस्तों आपको लाइक ज़रूर करना है। लाइक करना आप भूल जाते हो क्योंकि मैं आपके लिए दोस्तों यहाँ पे अच्छी अच्छी खबर लेकर इस वीडियो पे इस चैनल पे आता हूँ। तो चलिए दोस्तों आपको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बताना कि यहाँ पे आपके पास अगर एक LMV-TR कैटेगरी का लाइसेंस है तो आप उससे कौन कौन से व्हीकल्स वाहन ड्राइव कर सकते हैं, कौन कौन से वाहन चलाने के लिए LMV-TR लाइसेंस बनता है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हो दोस्तों चलिए आपको बताते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे LMV-TR लाइसेंस जो कि होता है फुल फॉर्म पहले आप जान लीजिए। LMV कैटेगरी के अंतर्गत ये लाइसेंस आता है। LMV का एक सब पार्ट होता है। LMV में दोस्तों TR लाइसेंस भी बनता है। हालांकि दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूँ कि LMV लाइसेंस आप दोस्तों सिर्फ ओनली एक ही अगर आप बनवाएंगे तो उससे भी आप ट्रांसपोर्ट नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला सकते हैं। हालांकि LMV-TR लाइसेंस अभी बनता है तो इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। बहुत से लोगों के पास LMV-TR लाइसेंस है तो उनको जानना चाहिए दोस्तों कि उस लाइसेंस से आप कौन कौन से वाहन चला सकते हैं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए LMV-TR का फुल फॉर्म क्या होता है। LMV-TR का फुल फॉर्म होता है LMV लाइट मोटर व्हीकल, LMV लाइट मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट। TR का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट व्हीकल। इसके पहले मैं दोस्तों इस सीरीज में दोस्तों अभी तक वीडियो 3 बना चुका हूँ तो उनमें मैं दोस्तों जो बताया है MCWG लाइसेंस के बारे में, MCWG लाइसेंस के बारे में और दोस्तों यहाँ पे LMV लाइसेंस के बारे में, LMV NT के बारे में। तो वो वीडियोज़ दोस्तों इस आई बटन में है, ऊपर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम TR के बारे में बात कर रहे हैं यानी कि LMV-TR। तो चलिए आपको बताते हैं LMV ट्रांस लाइसेंस है आपके पास तो उससे कौन कौन से व्हीकल चला सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताता हूँ दोस्तों, कोई भी वाहन जो ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में आता है जिसका वजन दोस्तों 7500 kg से अंडर है वो सभी वाहन LMV-TR कैटेगरी में आते हैं। उन सभी को ड्राइव करने के लिए LMV ट्रांस लाइसेंस बनता है। तो LMV ट्रांस लाइसेंस में दोस्तों कौन कौन से व्हीकल आती हैं मैं आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल सभी दोस्तों जो ट्रांसपोर्ट कैटेगरी गाड़ियाँ होती हैं उनको चलने के लिए LMV ट्रांस लाइसेंस बनाया जाता है। तो इसमें स्कूल बस भी आती है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको जो डाला कैटेगरी की गाड़ियाँ होती हैं, डाला या मिनी डाला, वो भी LMV ट्रांस के अंतर्गत आती हैं। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे मिनी ट्रक जो होती है वो भी आप इसमें ड्राइव करने के लिए ये अधिकृत लाइसेंस होता है LMV-TR। LMV-TR में अभी तक मैंने आपको बताया स्कूल बस, उसके बाद डाला, मिनी डाला, लाइट मिनी ट्रक, उसके बाद दोस्तों इसमें जो नई कैटेगरी की वाहन आते हैं जो इसमें छोटा हाथी, टाटा 207, टाटा 207, मिनी बसेस और टाटा मैजिक, ये सभी को ड्राइव करने के लिए LMV ट्रांस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। अभी भी मैंने ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सारे वाहनों का नाम आपको बता दिया है, बहुत से वाहनों का नाम मैंने मिस कर दिया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हो कौन कौन से वाहन, अगर आपके पास वो है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या ये किस कैटेगरी में आती है। पूछना कहाँ है आप इस चाहें तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं या फिर मुझे आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछिएगा तो वहाँ से आपको आंसर जो होगा वो जल्दी मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम का हैंडल जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया LMV-TR के बारे में। TR लाइसेंस मतलब ट्रांस लाइसेंस होता है। ये लाइसेंस दोस्तों उन कैटेगरीज में बनाया जाता है उन वाहनों को चलाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट कमर्शियल व्हीकल होती हैं उनको चलाने के लिए ये लाइसेंस बनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नहुत कर दीजिए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो नोटिफिकेशन वाले बिल को जरूर ऑन करके रखिएगा क्योंकि फ्यूचर में जो नई वीडियो डालूँ वो होगी LMV के बारे में। LMV लाइसेंस है तो कौन से वाहन चला सकते हैं। तो हो सकता है दोस्तों LMV लाइसेंस आपके पास हो। सिर्फ LMV की मैं बात कर रहा हूँ, LMV में ही की बात कर रहा हूँ। LMV के 3 पार्ट होते हैं, LMV, LMV-TR, LMV NT। तो इस वीडियो में मैंने LMV-TR के ऊपर बता दिया, पिछले वीडियो में LMV NT के बारे में बताया और नेक्स्ट वीडियो में LMV के बारे में बताऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी सभी लोगों तक करें ताकि सब लोग पता चल जाएगा उनके पास LMV-TR लाइसेंस है तो उससे कौन कौन वाहन चला सकते हैं। मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।